राहुल एक 15 साल का लड़का था जिसने 3 साल की उम्र में ही अपने माता पिता को एक दुर्घटना में खो दिया था। अब राहुल का इस दुनिया में कोई नहीं था। राहुल एक मोबाइल शॉप में दिन भर काम करके अपना गुजारा करता था और शाम होते ही अपने घर चला जाता था। राहुल अपने माता पिता के घर में ही रहता था जो कि जंगल के बीचों बीच था। एक दिन राहुल जब घर जा रहा था तभी उसको ऐसा लगा मानो उसका कोई पीछा कर रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा लेकिन वहाँ कोई नहीं था। राहुल घर की तरफ चल दिया। घर जाके राहुल लेटा ही था कि अचानक अचानक उसे बर्तन गिरने की आवाज आई। राहुल एकदम उठ गया। वो बहुत डर गया था। राहुल धीरे से बोला, कौन है? कौन है वहां? लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। राहुल उठकर कबर्ड की ओर बढ़ा और झांक कर देखने लगा। लेकिन उसे वहां कोई नजर नहीं आया। राहुल धीरे धीरे किचन की ओर बढ़ा। उसने इधर उधर देखा, उसे कोई नहीं दिखा। वो बहुत डर गया था। तभी अचानक गेट ठोकने की आवाज आई। राहुल मुड़ा और डरते हुए उसने गेट खोला। बाहर एक औरत काले कपड़े पहने खड़ी थी जिसका मुंह पीछे की ओर और धड़ आगे था। राहुल डर के मारे एक ही जगह जम गया था। जैसे ही उस औरत ने अपना मुंह घुमाया तो उसका मुंह पूरा जला हुआ था। राहुल उसको देखकर शॉक हो गया क्योंकि वो औरत और कोई नहीं राहुल की माँ थी जो कि जलकर मर चुकी थी।